केवल नाउन, जो नाउन वो होते हैं जो हमें उनको गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। सेकंड नंबर है आपका नाउन द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो हम उन्हें गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए नीचे मैन होता है आदमी, उनको गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं, चेयर है चेयर को काउंट कर सकते हैं, टेबल है टेबल को काउंट कर सकते हैं, बुक भी होती है तो बुक को भी हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में होते हैं आपके जैसे वाटर है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क है मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, फ्लोर होता है फ्लोर यानी आटा तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, राइस है राइस भी हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से हैं जैसे कि लिक्विड चीजें जो जितनी भी होती हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। और जैसे ग्रेन बार होते हैं वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस वीट पल्स ये सारी ऐसी चीजें होती हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते। लिक्विड में बहुत सारी चीजें आ जाती है जैसे पेट्रोल है, ये आपको बताया गया, वाटर मिल्क रेन सारी चीजें होती है ये इनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। और इनमें भी आपको सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है, इनमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वो मैंने आपको डेफिनेशन नहीं कराई है, बट बस मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही बताया है और ये आप अपनी नोटबुक में भी करोगे। ठीक है, और आगे आपको अनकाउंटेबल नाउन के दो प्रकार के होते हैं पता है आपको, सिंगुलर और नाउन और प्लूरल नाउन। द नाउन दैट नेम ओनली वन पर्सन प्लेस थिंग्स आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन। और प्लूरल में होते हैं द नाउन दैट नेम मोर देन वन पर्सन यानी एक से ज्यादा व्यक्ति प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल नाउन। जैसे एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, वस्तुएं होती हैं, स्थान होते हैं, उनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। इनमें भी नाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं बट मैंने उनको डेफिनेशन नहीं कराई, उसमें भी आप जानते हो कि काइट है एक वन काइट है तो वन ये आपकी सिंगुलर हो गई और काइट्स बोल दिया तो ये आपकी प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन आपको आज आपको यही करना है काउंटेबल अनकाउंटेबल इसकी डेफिनेशन।